बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान, इजियोलॉजी मेक स्टडी इजी के साथ। आज हम चैप्टर नंबर 26 इंटर पार्ट 2 से बायोलॉजी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और हम वन बाय वन चीज़ों को कवर करेंगे आपकी बुक के लिहाज से, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बताएंगे। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इजियोलॉजी के साथ बने रहें। जी तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर को, और इस चैप्टर का नाम जैसा कि आप जानते हैं सम मेजर इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, डेजर्ट इकोसिस्टम। इसी तरह ये डिफरेंट इकोसिस्टम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं जो हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आज के अपने इस बेसिक लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिफरेंट इकोसिस्टम में जो मेन जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट वेदर, ये छोटी छोटी डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सब मेजर इकोसिस्टम में हम बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के इन्वायरमेंट में हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेटिक इन्वायरमेंट आता है, दूसरे नंबर हमारे पास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट आता है, खुश्की और पानी। अब हर एक जो इकोसिस्टम होता है उसका खास इन्वायरमेंट होता है, और ये इन्वायरमेंट वहां पर मौजूद लाइफ को, जिंदगी को, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, इफेक्ट करती है। अब डियर स्टूडेंट, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल इस तरह आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। पहले तो हम इसका वर्ड बाय वर्ड देखेंगे मीनिंग क्या है। अब वेदर के लिए आमतौर पर जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो है मौसम, कि आज मौसम बहुत अच्छा है, यानी कि वेदर बहुत अच्छा है। और क्लाइमेट के लिए आबो हवा यूज होता है, ठीक है। ये तो हमने इसका उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा देख लिया। अब डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा इस बात को कि अगर मैं आपको लाहौर ही की एग्जांपल दे दूं तो लाहौर की आबो हवा डिफरेंट है, इसमें गर्मी भी है सर्दी भी है। मैं मान लेता हूं लेट्स सपोज लाहौर में 6 माह गर्मी पड़ती है और ये गर्मी पड़ रही है इस वक्त, लेकिन अचानक इस गर्मी के मौसम में बादल आ जाए, मौसम सुहाना हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, मौसम बदल गया, वेदर चेंज हो गया। लेकिन ये जो 6 माह गर्मी रहती है काफी सालों से, ये इसका क्लाइमेट है। और इस क्लाइमेट में अगर शॉर्ट टर्म चेंज आ जाए, मैं कहता हूं एकदम बादल आ गए, ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म चेंज, इसे हम बोलते हैं वेदर। क्लाइमेट एक लंबे अरसे से चला आया आबो हवा का एक सिलसिला है, ठीक है, और वेदर एक शॉर्ट टर्म चेंज है। तो देखते हैं आपकी बुक किस बारे में क्या कहती है। वेदर इज अ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर। अब ये फ्लक्चुएशन किस में आ सकती है, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, क्लाउड कवर के अंदर, ठीक है, विंड में, प्रेसिपिटेशन में, ठीक है। और ये जो चेंज क्या है, ये फ्यू डेज और फ्यू आवर्स के लिए हो सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होता है ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर, पूरा साल या पूरा 6 माह वेदर का पैटर्न कैसा रहता है, गर्मी रहती है, मैंने आपको कहा, ठीक है। और ये गर्मी आज नहीं, कई सालों से ऐसी है लाहौर में, ठीक है। तो ये जो कई सालों से जो एक खास वेदर रहता है, इसे हम बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। ये सेम रहता है ईयर आफ्टर ईयर एंड इवन सेंचुरीज, ठीक है। तो मैं जान चुका हूं और मेरा ये दिल से मानना है कि आप इस वक्त क्लाइमेट और वेदर के दरमियान में फर्क समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे तो फिर भी दोबारा देख लेते हैं। वेदर हमारे पास शॉर्ट टर्म चेंज है जो कि किसी भी क्लाइमेट आबो हवा में आती है, और क्लाइमेट हमारे पास क्या है, एक पैटर्न है, एक तरतीब है, खास लंबे अरसे तक रहने वाली, ठीक है, एक वेदर की। जैसे हम कहते हैं जी कि लाहौर में 6 माह के लिए गर्मी है, तो ये हर साल आ रही है, ये खास पैटर्न खास तरतीब से आ रही है, गर्मी है सर्दी है वट एवर जो भी तरतीब है, इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। अब हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम के अंदर हम पानी, हाइड्रो मीन वाटर, ठीक है, तो हम पानी वाले इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे। अब इक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है जी, इट इज अ सिस्टम इन वाटर, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन दिस वाटर इंटरेक्ट विद ईच अदर। क्या करते हैं इंटरेक्शन, लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में क्या होता है, एक्सचेंज मटेरियल ट्रांसफर एनर्जी, यानी जिंदा चीजें और बेजान चीजें एक दूसरे में अपने साथ क्या करती हैं, इस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एनर्जी एक्सचेंज करती हैं। यहां पर मौजूद फोटोसिंथेटिक जानदार क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स यानी के
नॉन लिविंग न्यूट्रिएंट्स से अपनी खुराक बनाते हैं, ठीक है, ये इनका इंट्रैक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग का आपस के अंदर। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, थोड़ा पानी के बारे में बात करें तो हमारे पास जो सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम है, यानी सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम आमतौर पर हम इसे मेराइन वाटर इकोसिस्टम भी बोलते हैं, यानी सी एंड ओशन, 71% ऑफ द अर्थ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिस्टम है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है, ओनली 1%। डियर स्टूडेंट, और ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहाँ पाया जाता है, इन द रिवर लेक्स एंड पॉन्ड। हमने चैप्टर वन के अंदर पार्ट वन बायोलॉजी के अंदर पढ़ा मैरीन वाटर बायोलॉजी एंड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इनमें मेन इसमें पानी का डिफरेंस क्या है, जो मैरीन वाटर होता है इसके अंदर वाटर में हाई साल्ट कंसेंट्रेशन होती है, और फ्रेश वाटर के अंदर यानी लेक रिवर का जो पानी है इसके अंदर साल्ट की कंसेंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम में हम टेम्परेचर की बात करें तो याद रखिएगा जो पानी है, पानी इट रेजिस्ट द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे यहां पर खुश्की में पानी के बाहर इन्वायरमेंट बहुत जल्द चेंज होता है और बहुत जल्द इन्वायरमेंट को इफेक्ट भी करता है, पानी जल्दी अपने टेम्परेचर को चेंज होने नहीं देता। क्यों नहीं होने देता, ड्यू टू हाई हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू द एयर। इसलिए जब ये हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ता नहीं है, मॉडरेट रहता है, और ये लाइफ को ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके बरक्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जानदार के लिए लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। अब जो वाटर है ना, वाटर ये क्या करता है, एब्जॉर्ब एनर्जी। वाटर अपीयर एट ट्रांसपेरेंट, वाटर हमें दिखने में तो शफाफ नजर आता है लेकिन फिर भी ये क्या करता है, एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है जी। लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजिंग दी Decreases with depth, जैसे जैसे आप, लेट सपोज हमारे पास दिस इज वाटर, ये हमारे पास पानी है, ठीक है, और दिस इज कोई लेक लगा लें, कोई नदी से लगा लें, आपके हमारे पास ये कोई नदी है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, ये काफ़ी सारा लेट सपोज हमारे पास पानी है, पानी हो पड़े हम, ठीक है जी, लें जी पेपर आ रहे हैं, जो अभी नहीं पढ़ रहे वो भी शर्म से पानी हो सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखें, लेट सपोज यहां पर सनलाइट पड़ेगी ना, तो पानी के अंदर डियर स्टूडेंट जब सनलाइट पड़ती है, ये हमारा सन हम बना लेते हैं, ठीक है जी, ले जी मान लीजिएगा सूरज है ये, तो ये लाइट आ रही है, तो लाइट पानी के अंदर ज्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर सकती। लेट सपोज यहां पर आ रही है, इससे मजीद आगे नहीं जा सकती। जैसे कि आपकी बुक कहती है कि भाई 600 फीट नीचे पानी के अंदर लाइट पेनिट्रेट नहीं करती, लाइट नहीं पेनिट्रेट करती तो वहाँ पर फोटोसेंसिस नहीं होती तो वहाँ पर इसका मतलब है खुराक नहीं बनती। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जैसे जैसे आप पानी के अंदर डेप्थ में जाते जाते हैं लाइट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, लाइट नहीं होगी फोटोसेंसिस नहीं होगी। लें जी हम अपनी बात को अब मजीद आगे लेकर चलते हैं। हम हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम के बारे में बातें कर रहे हैं, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम कर चुके हैं, वो क्लाइमेट की थी और साथ में साथ वेदर की थी, बाकी हम आपकी बुक की लाइंस वर्ड्स पढ़ रहे हैं ताकि कुछ चीज़ आपकी रहे ना। अब हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम यानी कि पानी में न्यूट्रिएंट्स, बॉटम में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितने जानदार मरेंगे वो मर मर के नीचे बॉटम में इकट्ठे होंगे, ठीक है जी, अब उनकी डिकम्पोजिशन वहाँ होगी, ठीक है, डिकम्पोजिशन से वहाँ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे इन सेडिमेंट्स जमीन पर, जो बॉटम पर डिफरेंट जानदारों की तय बनी पड़ी है, ठीक है। टू डिम लाइट टू सपोर्ट लाइफ, अब बॉटम में इतनी लाइट नहीं होती कि वहां पर लाइफ हो सके, ठीक है जी, फोटोसिंथेटिक लाइफ, क्लियर। अब वाटर की बात की जाए, वैसे तो याद रखिएगा ये जो हम खुश्की वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं यहां पर वाटर बहुत ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है जी, यहां पर जानदारों के लिए पानी बहुत जरूरी होता है, लेकिन जो जानदार रह ही पानी में रहे हैं, ठीक है, एक जानदार को क्या चाहिए होता है, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ठीक है। जो पानी में रह रहे हैं उनके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, पानी की उनके पास कोई कमी नहीं होती, ठीक है। वाटर, अबंडेंट वाटर, बहुत पानी है, एसेंशियल फॉर लाइफ, और ये जिंदगी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, पानी वाले इकोसिस्टम के अंदर जिंदगी दो चीज़ों पर इनसार करती है, नंबर वन न्यूट्रिएंट, नंबर टू एनर्जी, तीसरी चीज पानी है, लेकिन पानी यहाँ पर ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा पानी लाइफ को यहाँ पर इफेक्ट नहीं करता। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम।
कि किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या है, और ख़ास तौर पे जो हम बात करें वो है एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो भाई बात बड़ी सिंपल है। देखो, हमने फोटोसेंसिस की इक्वेशन पढ़ी हुई है। फोटोसेंसिस की इक्वेशन क्या है, हमें पता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से लेट्स सपोज वाटर C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपने इन बातों पे फोकस करना है। ये प्रोडक्टिविटी वाला जो टॉपिक है आपको एक मिनट में समझ आ जाएगा, बस आपने फोकस करना है, मेरा साथ देना है आपने, ठीक है, सब्सक्राइब करने में भी, शेयर करने में भी, खाली सुनने में नहीं, ठीक है। अच्छा, ध्यान से बात सुनो मेरा बच्चा। होता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इस्तेमाल करके पौधे अपनी खुराक बनाते हैं और साथ में इस ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं। किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी पता क्या होती है, कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कितनी हो रही है, यूज़ कितनी हो रही है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितनी हो रही है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज या ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ठीक है, एक ही बात है। तो भाई मेजर्ड बाय कंजम्पशन यानी कि इस्तेमाल ऑफ CO2 या एवोल्यूशन या इवॉल्विंग ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, इवॉल्विंग ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो फोटोसेंसिस का प्रोसेस है, इट इज कंट्रोल बाय टू थिंग्स, न्यूट्रिएंट एंड द लाइट। लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी आल्सो इफेक्ट। हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ा कि इंटेंसिटी कितनी शिद्दत से लाइट आ रही है, क्वालिटी किस नेचर की लाइट है, किस वेवलेंथ की लाइट है, बोथ इफेक्ट द फोटोसेंसिस। अगर आप ये वो टॉपिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 की प्ले लिस्ट से आप बखूबी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी वेरीज बाय वाटर डेप्थ। जैसे जैसे पानी की डेप्थ चेंज होती जाती है, जितना आप गहरे पानी में जाते जाते हैं, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की शिद्दत वहाँ पर कम होती जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी भी ऑल्सो इफेक्ट होती है, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रोडक्टिविटी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज, ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ठीक है जी। दूसरा, न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी, ठीक है, चेंज विद सीजन। प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन बता दी हमने भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी यूज़ होती है ये प्रोडक्टिविटी है, या ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये प्रोडक्टिविटी को कौन इफेक्ट करता है, लाइट और न्यूट्रिएंट्स। डेप्थ में लाइट चेंज होती जाती है, इसका मतलब है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी चेंज होती जाती है। फिर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, ठीक है, सीजन बाय सीजन चेंज होती जाती है, इसका मतलब है हर सीजन में, हर क्लाइमेट, हर सीजन जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, चेंज होती है। ऑल्सो वेरीज बाय जोन। अब ये जोन क्या है, ये जोन क्या होते हैं, ये हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आप वो लेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें, ठीक है जी। और अगर आप मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे लेक्चर हमारे चैनल से सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, अगले लेक्चर के लिए हम जोन्स पढ़ेंगे, फ्रेश वाटर लेक के अंदर डिफरेंट जोन बनाए गए ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। स्टे विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, फी अमान अल्लाह।